भागलपुर कोतवाली थाना प्रांगण में शनिवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक कोतवाली थाना प्रभारी जीपी यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन प्रकाश चंद्र गुप्ता ने किया। इस दौरान दुर्गा पूजा त्यौहार में लगने वाले मेला, यातायात व्यवस्था और शोभा यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में शांति समिति के सदस्य एवं दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा सम्पन्न कराने की बात कही। इस दौरान कोतवाली थाना के दो पदाधिकारी देवानंद पासवान एवं कृष्णनंदन को इंस्पेक्टर बनाए जाने पर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर कमल जायसवाल, महबूब आलम, दुर्गा पूजा महासमिति के महामंत्री जयनंदन आचार्य, संरक्षक भगवान यादव, देवाशीष बनर्जी समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। भागलपुर जीरो माइल स्थित एक चिकित्सक के यहाँ अपनी बीमारी पत्नी का इलाज कराने जा रहे प्रशांत कुमार सिंह की बाइक में हबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओवरब्रिज के पास अचानक आग लग गई, जिससे बाइक बुरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं इसके बाद प्रशांत कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ तुरंत हबीपुर थाना पहुँचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर हबीपुर थाना प्रभारी कृपा शंकर पीड़ित पर भड़क गए और डांट फटकार के बाद थाना से बाहर कर दिया। वहीं इसको लेकर पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है। घटना के बाद बीमार पत्नी के साथ वो थाना गए और पूरी बात पुलिस अधिकारी को बताई, लेकिन मदद करने के बजाय पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे वो लोग काफी आहत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में चल रहे सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर पूरे बिहार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अनुमंडल और प्रखंड के पदाधिकारी के अलावा जिलाधिकारी भी लोगों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जानकारी देने के साथ ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की बात करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अरार पंचायत भवन में BDO शेखर सुमन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्या से पदाधिकारियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि और आम लोगों के बीच कई बार गहमागहमी का माहौल भी बन गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया गया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, शौचालय निर्माण, सड़क सहित अन्य समस्या को लेकर सीधे अधिकारियों से अपनी बातें रखी। इस दौरान जनप्रतिनिधि ने ग्रामीणों से अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जबकि जनसंवाद कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने लोगों और जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर समस्या का समाधान करने की बात कही। मौके पर अंचलाधिकारी कृष्णमोहन कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजयस्वर पांडे, कृषि पदाधिकारी, PhD विभाग के कनीय अभियंता धीरज कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम है, जिसके तहत सारे प्रखंड स्तर पे जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसमें से दो जो प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है वो BDO के द्वारा, एक अनुमंडल अधिकारी द्वारा और दो जिलाधिकारी द्वारा किए जाने हैं। तो हमारे प्रखंड सनहौला में ये पहला कार्यक्रम था, अगला कार्यक्रम धुआवे में है और अगले हफ्ते जहाँ तक मुझे आशा है कि DM सर का भी कार्यक्रम होगा। इसके तहत क्या है कि जितने भी अधिकारी हैं वो जनता से आके सीधा संवाद करते हैं, जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में उनको बताया जाता है और उनके सुझाव लिए जाते हैं। जैसा कि आपने एक छोटा सा टेम्पलेट यहाँ पे देखा, जिलाधिकारी के कार्यक्रम में जिला स्तर के सारे कर्मचारी आएंगे और अधिकारी आएंगे और उनके द्वारा सभी योजनाओं की सूचना दी जाएगी। अच्छा सर, दूसरे उसके लिए देखिए दो तरह का है, एक नलकूप की योजना है और डीजल अनुदान योजना भी दी जाती है। तो उसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास सूचना रहती है, यहाँ पर कृषि समन्वयक रहते हैं। अगर नलकूप के द्वारा दिया जाता है तो डीजल अनुदान दिया जाता है और सरकारी नलकूप की व्यवस्था है। राशन कार्ड के मामले में जब सबसे मैं एक दो महीने पहले से आया हूँ तो उसमें से हमने राशन कार्ड के जितने भी लंबित आवेदन थे उनको अनुमंडलाधिकारी SDO साहब के ऑफिस में भेजने का काम किया है। उनमें से इसकी जाँच करवाई जा रही है, जितने भी आवेदन आए हैं करीब 3,000-3,500 के आसपास के आवेदनों का निष्पादन मेरे स्तर से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा अपशमन दिवस पर जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर की ओर से शुक्रवार को दिल्ली के भारतीय संविधान क्लब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिव कृति सिंह ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में 61 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें वैसे लोग शामिल थे जिन्होंने संकट में फंसे व्यक्ति को मानवता के नाते बचाने और अपनी ओर से मदद पहुँचाने का कार्य किया। वहीं इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह
सिंह ने कहा कि उनकी संस्था आपदा और दुर्घटना से बचाव के क्षेत्र में काम करती है, जिस कारण विभिन्न माध्यमों से सोसाइटी की और सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में लोग जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय वीडियो फोटो बनाने में जुट जाते हैं, जिससे मदद के अभाव में लोगों की जान चली जाती है, जो मानवता के खिलाफ है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि देश भर में कुल 561 महान विभूतियों का चयन आपदा फरिश्ता सम्मान के लिए किया गया। उसमें सर्वश्रेष्ठ 61 व्यक्ति को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बुलाकर सम्मानित किया गया, जबकि शेष 500 लोगों को स्थानीय स्तर पर क्षेत्र के सांसद, विधायक या अन्य प्रतिष्ठित लोगों के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना में बचाव एवं सहायता करने वालों के अलावा आग में जलने, पानी में डूबने और सर्पदंश से बचाव और CPR देकर जान बचाने वालों को भी समारोह में सम्मानित किया गया। भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन धड़ल्ले से कर रहे हैं। बताया जाता है कि रात गहरी होते ही बालू माफियाओं का गोरख धंधा शुरू हो जाता है और सुबह होने से पहले मोटी रकम का व्यवसाय बालू माफिया कर चुके होते हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के खनन विभाग की टीम के द्वारा शनिवार की सुबह 5 बजे जगदीशपुर TOP थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर, 1 मिनी ट्रक और 1 जुगाड़ ठेला को जब्त किया गया। इधर भागलपुर खनन विभाग के संतोष प्रकाश झा ने बताया कि जगदीशपुर क्षेत्र में बालू का खुलेआम खनन होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए खनन विभाग की टीम द्वारा देर रात से छापेमारी शुरू की गई, जबकि सुबह 5 बजे अवैध बालू लथे 6 ट्रैक्टर, 1 मिनी ट्रक और 1 जुगाड़ ठेला को टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। साथ ही कहा कि जब्त किए गए सभी ट्रैक्टर एवं सभी गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए विभाग द्वारा आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मिरट्टी पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय मिरट्टी का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसको लेकर वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं के मन में हमेशा भय का माहौल बना। साथ ही ग्रामीणों से कहा गया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सभी आंदोलन करेंगे। इसको लेकर ग्रामीणों और विद्यालय में नामांकित बच्चों ने कहा कि स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर होने के कारण बरसात में पानी टपकता है और जर्जर भवन का मलबा भी टूट कर गिरता रहता है, जिससे कई बार बच्चे घायल हो चुके हैं, जबकि कभी कभी बड़ी घटना हो सकती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक दयानंद दास, जिला परिषद सदस्य अरुण दास और मदन मंडल ने कहा कि विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर है, जिसके निर्माण के लिए विभाग को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई भी पहल अब तक नहीं की गई है। साथ ही ग्रामीणों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी मांग के समर्थन में जमकर हंगामा करते हुए पदाधिकारियों से भवन निर्माण की मांग की। बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय मिरट्टी में 2 विद्यालय चल रहे हैं और इस स्कूल में कुल 1840 छात्र छात्रा नामांकित हैं, जबकि यहां कमरे एवं शिक्षक शिक्षिका की कमी है। कि मेरा स्कूल बच्चा गिर रहा है पर कि बच्चे कैसे पढ़ेगा, मर जाएगा तो क्या होगा, मेरा सब बन जाएगा। ऐसे बच्चा का स्कूल बनाइए, नया करकट का नहीं बनेगा। भवन बनना चाहिए, ये मध्य विद्यालय मिरट्टी सह उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरट्टी ये कंबाइंड रूप से इसी कैंपस में चल रहा है। जी जी, कितने क्लासेस हैं यहाँ? सर क्लास 1 से लेकर 12 तक। 12 जी, 12 तो इस बार हुआ होगा? इस बार हुआ है। तो क्या है यहाँ की जो समस्या है? यहाँ मूल समस्या है कि बच्चे जो हैं वो 1 से लेके 11 तक और एक शिफ्टेड विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय यादव टोला, इतना होने के बाद यहाँ 1850 के लगभग बच्चे जो हैं विद्यालय में नामांकित हैं। इसमें से सुरक्षित कमरा मात्र 8 है, 8 में जिसमें से एक ICT लैब चल रहा है, एक कमरे में ऑफिस है, एक कमरे में स्मार्ट क्लास है। हमारे पास से 5 कमरा बच जाता है। इस 5 कमरा में पर डे 1200-1300 बच्चे जो हैं विद्यालय में प्रेजेंट होते हैं, इनको बैठाने के लिए जगह हमारे पास नहीं है। स्थिति है कि हम विभाग को आज विगत 4 साल से लिखते, इसके बाद विभाग जो है फरवरी 2023 में एक चिट्ठी दिए कि जर्जर भवन को बांस से बैरिकेटिंग कर दिया जाए एवं विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करके उसको तोड़ दिया जाए। सर
दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर मां आनंदी संस्था की ओर से शुक्रवार को बरारी स्थित एक होटल में डांडिया नाइट्स महिला उद्यमिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव ने किया। इस दौरान गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई, जबकि डांडिया नाइट में विभिन्न वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लेकर भक्ति और गुजराती फिल्मी गीतों की धुन पर डांडिया खेला। वहीं कार्यक्रम में महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में झूमती नजर आई। इसको लेकर संस्था की प्रिया सोनी ने कहा कि डांडिया नाइट के अलावा महिला उद्यमिता कार्यक्रम के तहत एक गरीब महिला को सिलाई मशीन भी भेंट दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। माँ आनंदी संस्था की ओर से माता के आगमन के शुभ उपलक्ष्य पे डांडिया महोत्सव सह महिला उद्यमिता कार्यक्रम का यहाँ रूप बिहार के प्रांगण में आयोजन किया जा रहा है। यह हम लोगों की तैयारी आज से ही नहीं, बल्कि यह 15 से 20 दिनों से काफ़ी धूमधाम से सभी महिलाएं, आप समझ ही रहे हैं, हर महिलाओं को अपने घरों के कार्य को देखते हुए और फिर भी डांडिया महोत्सव के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। जैसा कि हमारी संस्था माँ आनंदी संस्था महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु निरंतर कार्यरत है, तो और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई महोत्सव होता है, तो हम लोग एक कार्यक्रम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जैसे कि महिला को उद्यमिता बनाना। तो आज एक बहन है जिनको कि घर से ससुराल वालों ने निकाल दिया था, वो अभी अपने मदर के पास रहती हैं। उनकी मदर भी उतनी सक्षम नहीं है, जो इनको आज हम लोग अपनी तरफ से संस्था की ओर से सिलाई मशीन प्रोवाइड करके उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दे करके। भागलपुर के सुल्तानगंज बड़ी दुर्गा स्थान प्रांगण में शनिवार को डीएवी स्कूल के बच्चों के द्वारा डांडिया कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इसको लेकर बड़ी दुर्गा स्थान के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी दुर्गा स्थान में सभी स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया गया, जिनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 7 पूजा से 10 पूजा तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसको लेकर स्कूल के प्राचार्य एवं समाजसेवी मुकेश कुशवाहा ने कहा कि इस तरह के आयोजन होने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। भागलपुर सुल्तानगंज के बाईपास रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के समीप ट्रिक सेंटर में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ट्रिक सेंटर के डायरेक्टर नीरज कुमार ने किया। सेंटर के शिक्षक रंजन कुमार सहित अन्य सभी शिक्षकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड लोहची गांव की 3 छात्राओं ने अपने काबिलियत से अपने गांव और संस्था का नाम रोशन करते हुए एक मिसाल कायम की। बताया जा रहा है कि कक्षा 3 की छात्रा नंशी कुमारी ने बिहार के सभी जिले, भारत के सभी राज्य और एशिया महादेश के सभी देशों का नाम मात्र 30 सेकेंड में बताकर रिकॉर्ड बनाया। वहीं जाह्नवी कुमारी ने 118 तत्व का नाम 22 सेकेंड में बताया, जबकि कोमल कुमारी ने 1 से 100 तक स्क्वायर, 1 से 50 तक के क्यूब और बेटी बचाओ विषय पर शानदार भाषण प्रस्तुत किया। मौके पर काफी संख्या में छात्र एवं छात्रा मौजूद थे।